इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। कोविड 19 के मद्देनजर कुर्ची गांव को हॉटस्पॉट बनाया गया है। पूरे गांव को एक तरह से बिल्कुल सील डाउन कर दिया गया है, पर हासिल इत्तला के मुताबिक कोरोना के लिए तो डॉक्टर्स हैं पर दीगर बीमारियों के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। कोविड 19 से अब तक कोई मौत कुर्ची में नहीं हुई, पर दीगर डॉक्टरों की कमी की वजह से वादा रहे कि 6 लोगों की जान चली गई है। गांव वालों का कहना है कि कोई भी डॉक्टर सिवाय कोविड 19 पेशेंट के देखने के लिए तैयार ही नहीं। बेलगाम चिक्कोड़ी अस्पताल में भी मरीजों को लिया नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो फिर बेड नहीं है का बहाना बताया जा रहा है। कुर्ची के लिए मेरठ सांगली महाराष्ट्र यानी कि नज़दीक है, पर सरहदों को बंद करने से वहाँ भी नहीं जा सकते, लिहाजा मरीजों की जान चली जा रही है। अब तक के 6 अफराद इलाज न होने से मौत हो चुकी है। कुर्ची के MLA भी इस तरफ तवज्जो दे नहीं रहे, ऐसा मरीजों का कहना है। डायलिसिस, सीवियर हार्ट अटैक, अपेंडिक्स जैसे कई मरीजों की देखभाल किए बगैर मौत होती जा रही है। कुर्ची वालों के लिए महाराष्ट्र मिरज बहुत नज़दीक होता है, लिहाजा कई सारे मरीज वहीं से ट्रीटमेंट पाते हैं, पर कोरोना रेड जोन और लॉकडाउन के तहत तमाम रास्तों को बंद किया गया। बेलगाम में भी इनकी देखभाल नहीं हो रही, ऐसा इनका कहना है। कुर्ची से आइए महबूब शेख जो प्रोफेसर है, इनकी रिपोर्ट। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब ये जो पेशेंट है डायलिसिस के, हार्ट के पेशेंट है और हाई रिस्क है, यानी कि कोमॉर्बिडिटी और क्रिटिकल कंडीशंस में इनका आता है केस। इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ से 35 किलोमीटर दूर मिरज वैनलेस हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और डॉक्टर रियाज मुजावर साहब भी ट्रीटमेंट कर रहे थे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और सिविल में भी और वैनलेस में भी जो है डायलिसिस का इनका चल रहा था। अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, और बेलगाम जाके आए लोग, बेलगाम में डायलिसिस फैसिलिटी है लेकिन इनको ट्रीटमेंट नहीं किया, केली में नहीं पकड़े, तो केली में भी नहीं लिए और सिविल में भी नहीं लिए, यार बेलगाम का रिपोर्ट भी है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो क्रिटिकल कंडीशंस के लोग हैं इनको क्यों आप जो है मिरज या दूसरे दीगर एरिया में ट्रीटमेंट नहीं कराते, जो ऑलरेडी उनका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। तो कुर्ची को रेड जोन तो डिक्लेरेशन कर दिया है, डायस्टर मैनेजमेंट डायस्टर एक्ट जो क्या कहता है, डायस्टर एक्ट रेड जोन आप डिक्लेयर कर दिया। अकॉर्डिंग टू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायस्टर एक्ट में जो भी लॉ है रेगुलेशन है, बेसिक नीड लोगों की आप फुलफिल करना ये जरूरी है। जो भी लोगों की परेशानी है उसको आप जो है तकलीफ को सॉल्व करना, मेडिकल इमरजेंसी है, रेशन है, बहुत गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के MLA को मैं कहूँगा, जो राजीव MLA है उनको कहना चाहूँगा, आप नेशनल मीडिया स्टेट मीडिया में अलग स्टेटमेंट दे रहे हो लेकिन ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है, जो गरीब लोग हैं परेशान लोग हैं, थोड़ा दूर 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 रुको, दूर दूर रुको, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट का गाइडलाइन हम फॉलो कर रहा है। तो ये लोग पेशेंट कोरोना से कम और ये परेशानी से लोग ज़्यादा परेशान हैं, और 5 डेथ केसेस हमने देखे, 2 डायलिसिस के हैं, हार्ट फेलियर है, पैरालिसिस से मर गए और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और न्यूनेटल बेबी वो मर गए यहाँ निराश्रित कॉलोनी में, जो खाने पीने की न्यूट्रिशन की कमी से और डर के वजह से जो है पेशेंट लेके भी नहीं गए। जो हमारे साथी खुदा भाई हैं, बहुत सारे लोग जा रहे थे उनको पुलिस मार के भगा दिया। तो गरीब हैं, परेशान हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो सुन रहे भी नहीं लोग, जो डिपार्टमेंट के कंसर्न लोग हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को, DHO साहब मुनियाल साहब को भी कहूँगा, और असिस्टेंट DHO शैलजा मैडम को भी मैं मैसेज दूंगा, और तालुका हेल्थ ऑफिसर जो भी हैं रायबाग के और कुर्ची के हेल्थ ऑफिसर हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि ये क्रिटिकल क्रोनिक कंडीशंस के पेशेंट हैं, इनको आप इंसाफ दीजिए, इनको ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, वरना ये इनका डेथ होगा और परेशानी होगी, लोग बहुत सारे मरेंगे, इसके जिम्मेदार आप ही रहेंगे। तो इसलिए हम आबाजी फाउंडेशन के जरिए से ह्यूमन राइट्स और अम्बेडकर टीपू सुल्तान सेना और DSS के जितने भी जिम्मेदार हैं उनको साथ लेकर हम ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, मास्क यूज़ करके और सैनिटाइजर यूज़ करके, हमारी जान हम खतरे में डालकर ये जो है काम कर रहे हैं, और यहाँ के आशा कार्यकर्ता भी जो है गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिए हैं, तो उनसे भी हम बात करना चाहते हैं कि उनको भी कहना चाहते हैं कि ये
लोगों का जो भी परेशानी है, तकलीफ है, आप फुलफिल करो, इतना कहते हैं। और मैं उनको सलाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ सभी ऑफिसर्स को, जो बेसिक नीड है उसको आप फुलफिल करो।